हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टीजीटी नेचुरल साइंस में पूछे गए थे लास्ट ईयर 2021 में। आज हम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जो भी लास्ट ईयर हर एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे टीजीटी नेचुरल साइंस के वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो था फिजिक्स का क्वेश्चन। तो ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। ठीक है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में किसी बॉल को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया है और जो जी भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो हमने जो चैप्टर मोशन है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो चैप्टर मोशन है, वहाँ पे हमारे पास हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी हुई है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as एंड S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आना क्या चाहिए, इन तीनों में से इक्वेशन लगानी कौन सी है आपको। देखो पहले ये देखना होगा क्वेश्चन में कि आपको पता क्या क्या है, क्या क्या चीजें भैया आपको पता हुआ है। थ्रो की गई है, ठीक है, हाथ से थ्रो की गई है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका u है, जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी आपको दिया हुआ है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें दी हुई है, यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। सो अब देखो, जब आप बॉल थ्रो कर रहे हो टुवर्ड अपवर्ड, आप जब बॉल को थ्रो कर रहे हो तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टू अप, जब वो सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। यूं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी क्या होगा, जीरो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखो हमें तीन चीज़ें दी हुई है, हमें चौथी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लगवाएंगे ये वाला इक्वेशन, क्योंकि मुझे इनमें सारी चीज़ें पता है, एक चीज़ को छोड़ के एस जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। चलो तो लगाते हैं ये इक्वेशन। ओके, तो वी मेरा 0 है, यू मेरा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, हमारी एक्सेलरेशन अपवर्ड थ्रो किया है तो एक्सेलरेशन हमारी ग्रेविटी वाली लगेगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड एंड s हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो हमें साइन कन्वेंशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन विल बी द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, तो 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू s, राइट। तो s निकालोगे तो आएगा आपका -4/20, डैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर, राइट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस पुट भी कर रहे हो तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है जो क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर फॉर 3, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 5 किलोमीटर। अब टोटल टाइम भी चाहिए तो टोटल टाइम कितना होगा, देखो हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और हमें डिस्टेंस दिया, तो हम 2 किलोमीटर को इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल सकते हैं, और 3 किलोमीटर को विद दिस स्पीड कितना टाइम लगेगा ये निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं टोटल टाइम कितना होगा 2 किलोमीटर को कवर। देखो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहला डिस्टेंस 2 किलोमीटर, स्पीड है 8, ठीक है, प्लस 3/9 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/3, टेक योर
इसको ऐड करो एलसीएम लेके, 12 एलसीएम आएगा, तो टोटल टाइम आपका जो आएगा वो आएगा 5/12। ठीक है, देखो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो टोटल टाइम निकल गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 5 था। ओके, सो सॉरी यहाँ पे ये 7 आएगा, सॉरी 4+3=7, तो टोटल डिस्टेंस 5 था अपॉन टाइम 7/12, 12 ये दोबारा ऊपर चला जाएगा अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60/7 विच इज़ इक्वल्स टू 8.75 किलोमीटर पर आवर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू सन। देखो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 0.7, ये एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे 0.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर इस तरह का होता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, सपोज दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोल रहे हैं कि इमेज को कहाँ रखा है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहाँ बनेगी इमेज? बियॉन्ड द, आप बना के भी देख सकते हो। देखो जब ये रे पास करेगी, आपने रूल्स पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो मेरे फिजिक्स की लेक्चर सीरीज आने वाली है, उसमें हम ये सब कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस से रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, और जो रे फोकस से पास होगी वो फिर बाद में प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आएगी। ठीक है, तो अब देखो इमेज कहाँ बनी मेरी? यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, न्यूक्लियस डजेंट, ओके, ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे ये न्यूक्लियस की वेट की बात कर रहा है कि जो मैक्सिमम मास होता है किसी भी एटम का वो कहाँ लाया करता है, तो जो 99.98% जो मास होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वो न्यूक्लियस में लाया करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, व्हाट इज द एप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। देखो ये है ना, एक टेबल दिया हुआ है इसी में, लेंस वाले चैप्टर में, ठीक है, मिरर इमेजेस वाले चैप्टर में एक पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे मैंशन है टेबल में, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 1.4। देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट विल बी द स्पीड वी व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो, कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है जो एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इनिशियल स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो ये कितना होता है? यू कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना होगा? यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये याद रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर इसका पूरा डिटेल आपको देखना होगा तो जो मेरी लेक्चर सीरीज आएगी ऐसा क्यों होता है तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि स्पीड फाइंड करो वी जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ, बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही है? अल्फा। मतलब कि सपोज करो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वी कॉस अल्फा। अगर मैं स्पीड के कंपोनेंट्स निकालूँ तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन अल्फा। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई? नाउ अब यहाँ पे किसी टाइम टी पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालूं, ठीक है, देखो यू ऐसे चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है यू कॉस थीटा, यहाँ पे तो ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रही है क्योंकि ऐसे नहीं जा रहा, ये तो ये वाली स्पीड है, अगर अपवर्ड जाता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जीरो, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट चल रही है, यू कॉस थीटा है, चेंज नहीं हो रही है क्योंकि डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं वी टाइम पे, ठीक है, वी फाइंड करना है मुझे, ठीक है, जी जीरो है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किसी टाइम पर, ये ही होगा। तो वी मुझे निकालना है किसी टाइम पे, एक्सलेशन जीरो है बिकॉज स्पीड मेरी कॉन्स्टेंट है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो ये मेरी यू कॉस थीटा है, ये जीरो इंटू टी। तो वी मेरी किसी टाइम पर हमेशा क्या रहेगी, यू कॉस थीटा, चाहे मैं इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है स्पीड का, वी का, वो यू कॉस थीटा ही, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू कॉस थीटा ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट स्पीड का। ठीक है, अब बात कर ले, देखो v क्या है, u cos थीटा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या अपना v माना है, v cos अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू v cos अल्फा इक्वल्स टू u cos थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से आप v फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, u cos थीटा अपॉन में, इसको यहाँ पे ले जाओगे तो cos अल्फा, cos अल्फा, वन अपॉन cos अल्फा, ठीक है, वन अपॉन cos अल्फा इज इक्वल्स टू sec अल्फा। देखो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू u cos थीटा sec अल्फा, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, वट इज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर सो डैट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज वन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो वो क्या हो, वन हो, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी चाहिए, वन चाहिए, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वन कब होगा, वन कब होगा, जब इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम है, तभी मैग्निफिकेशन वन होगी। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर पे वो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं रे डायग्राम भी आपको बना के दिखा रही हूं। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है इमेज, सेम साइज की है लेकिन इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, इसका मैं पूरा नेचर बना देती हूँ, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज, ठीक है, सेम साइज की होगी, ओके, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। रियल और वर्चुअल में आपको डिफरेंस पता होगा, जब इमेज मिरर के बैक साइड बनती है तो वर्चुअल होती है, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो इट विल बी रियल। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर आप रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, ताकि आपका मैग्निफिकेशन क्या आए, वन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन आइडियल स्प्रिंग, द स्प्रिंग फोर्स इज, एक मिनट ये मिटा देती हूँ, मैं दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है, एन आइडियल स्प्रिंग, द स्प्रिंग फोर्स एफ इज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, द इक्विलिब्रियम पोजिशन फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस फोर्स लो और स्प्रिंग कॉल्ड हुक्स लो, मैथमेटिकली इट इज स्टेटेड एस। तो किस तरह से स्टेट किया जाता है, तो देखो एफ एस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें क्या समझाने की कुछ जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हुक्स फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वैसे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास से आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो गुड्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इसमें थोड़ा डाउट है, राइट आगे बढ़ते हैं, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ऑफकोर्स ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ईजिली हर लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, ये भी करेक्ट है,
प्राइस उसका थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, कि बेचने वाले को भी नुकसान ना हो, खरीदने वाले को भी एक्सपेंसिव ना लगे। तो इसका बचता एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एस इन टाइम t1 to t2, ये t2 है द एवरेज स्पीड v। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया भी था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है s टाइम t2 से t1 तक तो उसने ट्रेवल किया है, तो t2 माइनस t1। ओके, तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज आर कोल्ड फ्लूड्स, इन दोनों में से कौन सा फ्लूड है? ज़्यादातर लोग आंसर मार कर कहेंगे लिक्विड, बट नहीं, इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा, क्योंकि जिसने मेरी मैटर सराउंडिंग अस वाली वीडियो देखी है उन्हें ज़रूर पता होगा क्यों बोथ 1 और 2 आएगा, क्योंकि गैस को हम लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग इट एट हाई प्रेशर। जो हमारे घरों में LPG गैस यूज़ होती है, जो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 आएगा, गैस एंड लिक्विड बोथ आर फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर टाइप ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे ये फोर्सेज आएगा, फोर्सेज इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फोर्सेज इन नेचर, तो ग्रेविटेशनल ऑफकोर्स फोर्स ऑफ नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफकोर्स फोर्स ऑफ नेचर, न्यूक्लियर इज ऑल्सो फोर्स ऑफ नेचर, वीक फोर्सेज ऑफकोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, कि ऑल 3 ऑप्शन आर द फोर्सेज इन नेचर। ओके, वट डज द सेंटर ऑफ लॉ ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइक। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर का, वो कहाँ लाया? देखो मैंने इतनी बार कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना चुकी हूँ, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकल लेंथ है एफ। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर लाए करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ लाई करेगी? ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो फोकल लेंथ कहाँ पे होगी, ठीक है, फोकल लेंथ हम उसे मेजर करते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी, ठीक है, वहाँ पे फोकल लेंथ लाई करेगी। अगर देखो हम, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये सर्कल ऐसे पूरा होगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाया करेगा, तो फोकल ऑफ फोकस यहाँ लाया करेगी, तो फोकल लेंथ ये हुई। ठीक है, तो इधर की तरफ, ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, एक्सेस वाला साइन कन्वेंशन लेते हैं, देखो इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान के चलो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, तो इस साइड हुआ तो पॉजिटिव, इस साइड है कोई लेंथ तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ कोई इमेज बन रही है तो पॉजिटिव, अदरवाइज इरेक्ट, नीचे की तरफ बन रही है तो इन्वर्टेड। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ लाया करेगी। अगर देखो हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर का सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, तो फोकल लेंथ यहाँ लाया करेगी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज क्या होगी, मैंने अभी बताया इस साइड है तो पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद, अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल स्पीड में, तो जीरो थी एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी, लेकिन जब हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, जो कि कांस्टेंट होगी, वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, जी हमेशा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम इट इज सेट टू बी मूविंग, करेक्ट, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो रेस्ट पर नहीं है ऑफकोर्स, और कोई भी, अगर हम, हमारे पास कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है, एब्सोल्यूट वाली कंडीशन नहीं है, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट,
राइट, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है वो हमने तीन ही इक्वेशन पढ़ी है मोशन में. एक तो यू इज इक्वल्स टू वी सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये पढ़ी है. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ी है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इनमें से कौन सी है? ये वाली है. ठीक है, बाकी सब गलत दी हुई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. ठीक है, तो इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए. न्यूमेरिकल यहाँ से पक्का आएगा और इक्वेशन डायरेक्टली भी आ जाएगी कि करेक्ट है कि नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है, तो ये थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं फोर्स के. ठीक है, तो एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. ठीक है, जैसे आप हिट करो, जिस किसी चीज़ को आप हिट कर रहे हो तो वो आपको वापस उतने ही फोर्स से आपके ऊपर हिट करेगा. ठीक है, तो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे, देखो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ एक्ट ऑन सेम जेंडर. नो, इट डज नॉट. फोर्स जो होता है एक्शन और रिएक्शन दोनों ही अलग ऑब्जेक्ट पे होगा. ठीक है, देखो सपोज करो मैं इस बोतल को हिट कर रही हूँ, मैंने फोर्स अप्लाई किया बोतल पे, बोतल ने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो इस मैंने बोतल पे किया, बोतल ने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं अप्लाई हो रहा. बोथ हैव सेम डायरेक्शन, नो सेम डायरेक्शन नहीं है. मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, बोतल ने इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया. बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, नो इट विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड. कैसे नहीं हो सकता, हमने बोला है जो लॉ है वही न्यूटन का लॉ ही यही स्टेट करता है कि बोथ हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल वर्ड आ रहा है. तो कौन सा स्टेटमेंट आ गया, बोथ एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज. ये दिस ओनली दिस स्टेटमेंट इज लेफ्ट जो बोलते हैं हाँ ये सही है, फोर्थ ऑप्शन. यही पूछा था, तीनों स्टेटमेंट तो हमने एलिमिनेट कर दी बाय प्रूविंग देम रॉन्ग, तो एक ही ऑप्शन बचा तो वही सही होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ मिथेन इज कंटेंट ऑफ बायोगैस. 75% होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, वहां से क्वेश्चन उठा के डाल दिया यहाँ पे. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CaCl2, सो ये CaCl2, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा के डाल दिया गया है. इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1900 केल्विन, डायरेक्ट दिया हुआ है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के लिए स्टेटमेंट क्या है देखते हैं. अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन साइड सॉलिनॉइड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. सॉलिनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू पूछा था, हमें तो पहले ही स्टेटमेंट मिल गई. लेकिन मैं आपको फर्दर भी बता देती हूँ कौन कौन से स्टेटमेंट है, इनको एलिमिनेट कैसे करेंगे. इन साइड अ सॉलिनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नो इट कांट हैपन. अ सॉलिनॉइड इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, नो इट इज मेड अप ऑफ अ वायर लाइक दिस. ठीक है, सॉलिनॉइड डज नॉट बिहेव लाइक, इट बिहेव लाइक मैग्नेट. सो तीन एलिमिनेट कर दिए हमने, एक ऑप्शन बचा वही राइट होगा. ओके, विच ऑफ द व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की है, तो देखो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. ठीक है, देखो यहाँ पे रिडॉक्स रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. कॉपर इज बींग रिड्यूस्ड, कॉपर को इज बींग रिड्यूस्ड, और जो हाइड्रोजन है इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई. ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स मतलब कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होंगे. अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, देखो अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला एल्कीन्स का तो कैसे करेंगे, आपको पता है एल्कीन्स के बीच में दो डबल बॉन्ड होंगे, तो क्या करो कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनाओ. ठीक है, और फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो बाय पुटिंग हाइड्रोजन ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, चार वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, चार बॉन्ड बना सकता है. तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, C2, और H कितने हैं, 4 है. तो फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n, तो ये होगा फॉर्मूला. ठीक है, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना दिया. अगर नहीं याद तो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे ही एल्केन्स का कर सकते हो, ऐसे ही एल्काइन्स का भी कर सकते हो आप फॉर्मूला. देखो एल्काइन्स का मैं बना के दिखाती हूँ फॉर्मूला. एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो वैलेंसी, तो C कितने 2, H कितने 2, तो CnHn, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एल्काइन्स. ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो उसको बना के देख लो, चीज़ों को रटो मत, समझ के करो. अगर कुछ चीज़ याद नहीं रहती लेकिन आपने कॉन्सेप्ट उसका क्लियर किया हुआ है तो आप उसको डिफरेंट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज इन विनेगर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर.
3 to 5% होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रेडियस पूछा गया है. डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है. एनसीईआरटी में ये मेंशनड है, 37 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन एल्कीन्स आर बर्न, जब एल्कीन्स बर्न किए जाते हैं तो कलर क्या होता है, येल्लो होता है. ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लेक लाइम, स्लेक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल आ गया है. अ मैन पिक्स अप अ बैग ऑफ वेट 15 kg, वेट कितना है 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हेड, कितना 1.5 meter अबव द ग्राउंड. व्हाट इज द, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन पूछे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना लगेगा, देखो फोर्स कितना लगेगा, वेट कितना है 15 kg, ऊपर से ग्रेविटेशन भी लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जी, समझ में आ रहा है. देखो 15 kg का बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे उठाएगा तो एक्सेलरेशन ऐसे लगेगी, एक्सेलरेशन जी लगेगी ना. आप ऐसे मूव कर रहे हो तो दूसरी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन आप उठा रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या लग रही है, जी लग रही है. तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, तो 15 × 10, ठीक है. तो यह 15 × m इज फोर्स. आपका डिस्प्लेसमेंट कितना क्या है, 1.5 meter. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, 15 × 15 = 225, एक पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा 1 × 10, तो 225 joules वर्क डन हुआ है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर के सारे मैं बता देती हूँ. प्लेन मिरर इरेक्ट सेम साइज की इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे बनाता है, ओके. चलो तो इसमें देखो ऑप्शंस देख सकते हो, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नहीं इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो सॉरी ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट बी इज ट्रू, ओके. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड जूल, 1 volt इज इक्वल टू 1 joule / 1 coulomb चार्ज, दिस इज द रिलेशन. डायरेक्ट एनसीईआरटी का फॉर्मूला यहाँ पे उठा के डाल दिया. Why did Rutherford select a gold foil for his experiment in finding out the model of an atom? ठीक है, तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो gold foil थी वो बहुत ही thin थी, so as it is was thin, तो इसलिए उसको use किया गया था. Which of the following is not used as food preservative, की तरह किसे use नहीं किया जाता, दोनों में से किसी को use नहीं किया जाता, neither 1 and 2 will be the answer. ठीक है, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइन उठा के डाल दी गई है सीधे. सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन प्रिपेयरिंग स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इट, सो जनरेटर टर्बाइन, नाइदर 1 and 2 आर ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, नोट पूछ रहे हैं, ये दोनों ही उसके कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, अ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक एमीटर व्हेन, ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज करते हैं, अटैच करते हैं, फिर सीरीज में, तो ऑफकोर्स पैरेलल में करते हैं, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर वॉज इंस्टीट्यूट बाय न्यूलैंड, तो 56 इसका आंसर है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स में, ठीक है. व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, जब डायरेक्ट सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो ये ग्रे हो जाता है, ठीक है. क्यों हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जब ग्रे इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, AgCl2 होता है फॉर्मूला, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू Ag+Cl2, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, तो दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो रिएक्शन हो रही है. डैश इज वन ऑफ द केमिकल यूज टू प्रोड्यूस ओशन थर्मल एनर्जी, अमोनिया इज द केमिकल जो ओशन थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है.
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, ऑफकोर्स जिंक ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द वाटर एंड सोल्ट, तो उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है दोनों ही वाटर और सोल्ट के साथ सोल्ट और CO2 देने के लिए. ठीक है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है. Which one of the following is the best conductor of heat? Copper is the best conductor of heat. Okay. So, आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मैं आगे भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी. ठीक है, साथ में आप मेरी वीडियोस देख सकते हो. आई गारंटी आपका जो नेक्स्ट TGT नेचुरल साइंस पेपर होगा, अगर आप मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स के साथ अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे. क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक मेरी जितनी वीडियोज़ आई है, अगर मैं उन टॉपिक से निकाल कर देखूँ तो वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं. वहाँ से एक भी जो भी मैंने टॉपिक कवर किया है वहाँ पे एक भी अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया उन टॉपिक से, कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया हो. सभी मेरे लेक्चर्स में कवर थे टॉपिक्स. ठीक है, जो भी अभी तक मेरी लेक्चर वीडियो आई है उनमें. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका.